हेलो सर, मैं हूँ राजेंद्र। आज की वीडियो में मैं एक ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या रहता है तो इसको मैं खोल के दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी है, तो मैंने लैपटॉप की बैटरी के अंदर से निकाली हुई है। ये बैटरी मैंने उसके अंदर से निकाली थी, तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी। पर आप इसके फेक बैटरी, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको फेक बैटरी भी मिल सकती है, तो मेरे दोस्तों को मिल गई थी। तो फेक बैटरी तो मैंने आपको इसको खोल के दिखा रखा है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दिया है, तो आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आज इस ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी को खोल के दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या रहता है, और मैंने फेक बैटरी को पहले ही खोल के दिखा दिया है। तो आप किसे किस प्रकार से लेने से बच सकते हो, तो आप इसे थोड़ा सा वजन, इसमें ये ओरिजिनल बैटरी में वजन ज़्यादा रहता है, उस वाली बैटरी में वजन कम रहता है, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो मैंने इसके ऊपर का जो ये लगा हुई थी तो उसको हटा दिया है, तो ये बैटरी देख सकते हो दोनों सेम है। तो बैटरी तो इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो इस पर 18650 से डॉट डॉट करके कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ओरिजिनल बैटरी के ऊपर नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, तो आप इसकी सहायता से पता लगा सकते हो, और फेक बैटरी के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ये है हमारी ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी, तो इसको खोल के दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या रहता है और ये किस प्रकार से अंदर से बनी हुई थी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, इस बैटरी को मैं साइड में रख देता हूँ और इस बैटरी को खोल के दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी है, तो ये भी ये खराब हो चुकी थी, उसके अंदर से खराबी निकली हुई थी। तो मैंने इसको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या रहता है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, इसके अंदर जो कोयल जैसा बना रहता है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहता है और उसमें कम रहता है, इसीलिए ये ओरिजिनल में वेट ज़्यादा होता है और फेक वाली बैटरी में वेट कम होता है। तो इसको यहाँ से मैं काट दूंगा, यहाँ से इसकी जो केप है इसको, और इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसके कवर को आप देख सकते हो, मैंने इसको एक सा ब्लेड की सहायता से काट दिया था। तो आप देख सकते हो इसको प्लायर की सहायता से इस केप को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी खुल चुकी है बैटरी, इसकी अलग से केप हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर का जो पार्ट मैंने आपको जैसे कि बोला था, मैं इस फेक बैटरी का भी यहाँ पे साइड में फोटो डाल दूंगा। आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी कोइल बनी हुई है, बहुत कम है, इसमें कोइल लगी होती है पर ये बहुत ही कम लगी हुई होती है। जिस प्रकार का इसमें सिस्टम है ना, ये बहुत कम लगा हुआ रहता है इसमें फेक बैटरी में। इसके अंदर का पूरा सिस्टम ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ होता है, देख सकते हो ये जो कॉपर और जिंक का हमारा ये रहता है इसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत कम रहता है, तो एनर्जी कम स्टोर कर पाता है और हमको ज़्यादा टाइम तक बैकअप नहीं मिल पाता है इसका। आप देख सकते हो ओरिजिनल बैटरी के अंदर इस प्रकार का कुछ बनाया होता है। तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो ये कवर बहुत ही मजबूत था, इसलिए मुझे टाइम लगा इसको काटने में। तो इसको मैं काट देता हूँ, इस कोइल को बाहर निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने इस बैटरी को खोल दिया है, आप देख सकते हो इतनी मजबूती से लगी हुई थी अंदर, ये पूरी हमारी खराब हो चुकी है। देख सकते हो इसके अंदर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है ओरिजिनल बैटरी के अंदर। आप देख सकते हो ये प्लास्टिक का पीस लगा हुआ है और ऊपर केप के अंदर भी प्लास्टिक का एक पीस लगा हुआ था, तो ये ओरिजिनल बैटरी की एक खासियत होती है। आप देख सकते हो पूरी तरह से इसमें प्रोटेक्शन दे रखी है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और ये जो अंदर का पार्ट हमारा निकला है आप देख सकते हो पूरा इतना बड़ा बना हुआ है, और फेक लिथियम आयन बैटरी में ये कम बना हुआ था, इसी कारण वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है और जल्दी से चार्ज हो जाती है, और बैकअप टाइम भी उसका बहुत कम रहता है। तो इसको भी मैं खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही मजबूती से बनी हुई है। आप देख सकते हो कॉपर की और जिंक की सहायता से या एल्यूमिनियम की सहायता से बनती है। तो आप देख सकते हो इसको खोल देता हूँ मैं फॉइल को और आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप इस प्रकार की ये बनी हुई है ओरिजिनल बैटरी के अंदर, इस प्रकार का कुछ रहता है, ये फेक बैटरी जैसा ही है पर उसमें कम था और ये इसमें ज्यादा मात्रा में है। आप देख सकते हो ये इतनी टाइट तरीके से, अच्छी तरीके से लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये कॉपर और जैसा कि मैंने आपको बताया था फेक लिथियम आयन बैटरी में यहाँ तक पन्नी लगी हुई थी, और इस बैटरी में आप देख सकते हो यहाँ से कॉपर स्टार्ट हो रहा है और पूरा लास्ट तक कॉपर देख सकते हो आप, ये लास्ट तक पूरी कॉपर की बनी हुई है। तो ये ओरिजिनल बैटरी की एक खासियत है, आप देख सकते हो। तो आप इसे पुराने लैपटॉप की जहाँ पे रिपेयर किए जाते हैं वहाँ उसकी बैटरी के अंदर से इस बैटरी को निकाल सकते हो, लिथियम आयन बैटरी को। तो आप इसे बाजार से खरीदेंगे तो आपको ये फेक बैटरी भी मिल सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कचरा हो चुका है, और इस प्रकार से इसमें सेफ्टी के लिए देख सकते हो ये जिंक के जो प्लेट है इसके ऊपर भी देख सकते हो डबल पन्नी लगाई हुई है। आप देख सकते हो ये पन्नी इस साइड पे पन्नी लगी हुई है और पीछे की साइड पे पन्नी लगी हुई है, तो ये पूरी खराब हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी को खोल के दिखा दिया इस प्रकार से कुछ बनी हुई होती है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से कर देना कि किस प्रकार की ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी रहती है, तो आपके दोस्तों को भी पता चल जाएगा, वो लेने से भी इस बैटरी को बच सकते हैं फेक बैटरी को इस वीडियो को देखने के बाद, तो ओरिजिनल बैटरी ही खरीदेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।